बिल्कुल ये सही बात है। कुछ दिन से हमें शिकायतें मौसूल हो रही थी कि कुछ इलीगल फेक डॉक्टर्स और कुछ प्रैक्टिशनर्स जो कि क्लिनिक खोले बैठे हैं और वो गलत कर रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं और ठग रहे हैं। इस आसाम में हमने एक ड्राइव स्टार्ट किया है जिसमें SDPO पाटन, तहसीलदार पाटन और भी डिपार्टमेंट हमने साथ लिए और हमने सील किए हैदरबेग में 2 दुकानें। और कल शाम भी हमने देखा कि यहाँ पर एक तो बरन में, त्रिकोलबल में और जंगम में, वहाँ पर ऑलमोस्ट तकरीबन 15 ऐसे क्लिनिक्स थे जहाँ पर टीचर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब वर्स, और वो स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे थे। वहाँ पर हमने ऐसी दवाइयाँ पाई जो कि मना है, जो कि बिल्कुल कैटेगोरिकली बैनड है, जैसे कोडीन फास्फेट हमने देखा वहाँ पर। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से तकरीबन जो 16 जो टीचर्स हैं इनके खिलाफ हमने लिखा है डायरेक्टर एजुकेशन को, और इंशाल्लाह उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और हमने उनका सील कर दिया है। और मेरी गुजारिश लोगों से यही है कि वो कोवैक्स के पास ना जाएं, अगर ऐसा कोई कहीं भी हो हमें इतला दे और हम उसको बंद करेंगे। डॉक्टर साहब, बात करें कि पहली बार ये ऐसा वाक़ा सामने आया जिसमें टीचर उसको प्रैक्टिस करते पाया गया, क्या आप उनके खिलाफ एक्शन? बिल्कुल, जो भी डिपार्टमेंट इसमें मुलविस पाया जाएगा, चाहे एजुकेशन हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, जो जितने भी कोवैक्स है इनको हम बंद करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दे देंगे। अगर डॉक्टर साहब बात करें कि चंद दुकानों में हमने हॉस्पिटल सप्लाई पाई थी, तो उस हॉस्पिटल सप्लाई के बारे में आप क्या एक्शन लेंगे? बिल्कुल, हमने कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी, जो भी मुलविस पाया जाएगा उसको टर्मिनेट किया जाएगा और सस्पेंड कर देंगे। आपने देखा यहाँ पे कि हम रोजमर्रा देखते थे कि यहाँ पे इलीगल मेडिकल शॉप चल रहे थे, मगर आज पहली बार ये वाक़ा सामने आया कि टीचर्स भी अब मेडिकल शॉप चला रहे हैं, और हैरानकुन बात यह है कि वो वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी महकमे सेहत की जानिब से। मैं राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़।